हमारे यहाँ मम्मी की करवा चौथ की साड़ी का मोइना लेने। कल्लूदी से आउटफिट लिया था। अरे आप अपने बुलाए, दिल रेड पे आते हैं मम्मी के, सारे दिल रेड पे आते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे और भी कलर अच्छे लगते हैं। वो देखो मेरी वाली ड्रेस बनी नहीं, वो मेरी फेवरेट। टाइम हो रहा है 6:30। सो गाइज मम्मी का आउटफिट रेडी हो चुका है करवा चौथ का, मतलब नीचे की स्कर्ट तैयार हो चुकी है, अब इसके ऊपर ड्रेप साड़ी आएगी। तो ये बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर। और जो आपने ब्लाउज भेजा था ना, एलिफेंट वेलिफेंट बने हुए थे, वो सुंदर लग रहा था, बहुत दिखाना है पर वो भी अच्छा चल रहा होगा अभी तो काम उस पर। चलो एक बार मम्मी ये ट्राई करती है। क्यों, बहुत अच्छा लग रहा था। लेंथ डिस्कशन चल रहा है, लेंथ फाइनल नहीं हो पा रही। चौड़ी भी अच्छी लग रही है क्योंकि मम्मी करवा चौथ पे थोड़ा हैवी लुक ही रखते हो ना आप, तो अपना चौड़ी लगा दो, नहीं ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। ये पतली इतनी है, वैसे ये है ना, वो आपकी साइज़ के हिसाब से होगी इतनी। सही, आप प्रेमा जी को हाँ समझ गई मैं। तो इसमें प्लेन फैब्रिक कम नजर आएगा, प्लेन तो आएगा ही नहीं, वो तो बंद ही गया जैसे इसके अंदर नहीं आ रहा। आपका बस चले मम्मी, चल तू अपना तैयार कर ले, तेरा मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। कंपटीशन चलेगा किस कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है वो तो सुंदर है, मेजॉरिटी का वो तो सुंदर है, मेजॉरिटी का वोट है। इस टाइम हो रहा है 8:30 एंड हम बाहर की बाहर जा रहे हैं चोपड़ा अंकल की दिवाली देने, तो चलो चलते हैं। और मम्मी ने मना किया था, मेरे कुलचा भी खा लिया और पैटी भी, उस साइड से निकाल लेता हूँ। मम्मी कैसी लगी कच्चा आम? चौथी खा रही हूँ। मम्मी जो आपने खाई है ना, वो पल्स खाई है अंदर मसाले वाली, उसी को मैं कच्चा आम कह रही हूँ। हाय राम, हमें लगा मम्मी को पल्स खिलाएंगे मजा आएगा। हाँ तेरी माँ को ना लाल मिर्चों का मुट्ठा भर के और गेहूं दे दो, खा जाएगी। हाँ माँ तो जानवर है। मम्मी बस करो, कित सारी टॉफी निपटा दी मम्मी ने। किसको मिली है आपको? थी किसकी? गुल्लू की। गुल्लू को तो उन्होंने नहीं बोला मेरे को जिन्होंने दी है। लेकिन तूने सोच तो रखा था कि गुल्लू को देगी। मैंने नहीं सोचा, दीक्षा ने। चलो वो भी तेरी पार्टनर है। नहीं यार सब पार्टनर है। की पार्टनर है। जब तुम हिसाब करते हो ना लूटने का, तब पार्टनर ही होती है ये। शुक्र है आज 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, इसके मैं आते फिर कटते। आए राम, पापा ने मुझे लग रहा है जान के अपना दिया इस बार। मम्मी सामने वाली गाड़ी नंबर 786 सारी मैं ये कच्चा आम खा चुकी, और ये देखो इनको ऐसा लग रहा है कि मम्मी वो कच्चा आम नहीं वो पल्स है, मैं उसको कच्चा आम ही बोलती हूँ। और ये खुश हो रहे हैं, माँ का मुंह जलेगा, हम खुश होंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजे लेंगे। ये नहीं पता 900 चूहे खा के बिल्ली आज को जा भी चुकी। आज के बच्चों का यही संस्कार है कि माँ को मिर्च लगेगी तो ये खुश होंगे, कह रहे मम्मी काट के खाना, काट के हाँ। चबा के, जैसे मम्मी दो
दिन की है। मम्मी को तो अकल ही नहीं है। मम्मी आप पहले गलती आपकी, आपने हमें नाम पहले ही पल्स ले लेते तो बात, आप कच्चा आम करे जा रहे हो। मुझे आगे से राइट। अरे मैं हमारी लड़की आंटी के सामने नजर नहीं आ रही। मैं मोटी लग रही हूँ ज्यादा, बाहर जाके बैठ जा। इतना पतला हमारे घर में कोई नहीं था। चलो हम तो अब मोटे वीडियो में। मेरी पता है रीले थ्रू देखी नहीं होगी, मुक्के मारने वाली मारने की। एक रील बनाई थी हमने, ये कह रही रुक जा, मैं कह नहीं पट्टी मार के लात गुस्से मार देते दीक्षा कह रही मम्मी क्या कर रही, मैंने कहा पड़ास निकाल लूं दो चार और लगा दूं। घर पे इतनी मार पड़ जाती है बेचारा। मैं एक पंडित से लड़के आया था तो कहता है बच्चा तुम्हारे सर पे ना हमेशा चुड़ैल बैठी रहती है। तो देख मेरी बीवी के बार बैठी। गुस्से यही लगते हैं। सुन लो गलत बात मतलब मान लिया कि ये मंदिर है उसमें मैं चल भाई मंदिर। अब हम जैसी गाड़ी में बैठे फिर वो खरबूजा ले लें। आप टाइम देख उधर माल आया हुआ है अरे नहीं खरबूजा लेना। मैं चल भाई चल फटाफट। एक पे भी खरबूजा नहीं, रिलायंस मॉल पे खरबूजा नहीं, फलाने में खरबूजा नहीं, कहीं खरबूजा नहीं मिल रहा। मैं करना क्या खरबूजा फिर वो पितरों के लिए होता है। मैं भाई वो कुछ और खा लेंगे उनके लिए तरबूज ले लेंगे। अब बंदा डरा तो होता है ये क्या बोले बीबी से। मंदिर पहुंच गए अब मैं भरा तो हुआ ही था मैं कोई नहीं। अब मैं उसे बहुत ध्यान से देख रहा हूँ पंडित को। पंडित बड़ी तसल्ली से जी अपना ये वो अपना हमारे से पहले उसने अपना उसने अपने जो बन रही है ना चाय उसी में जो केला वेला पहुंचाना था उसने अपने पहुंचा दिया जी पितरों तक। मैंने सुन लिया भाई अपनी दादी को पहुंचा उसने दादी जी का है और ये वो मैं ठीक है नहीं और उसने उसको प्रसाद में कुछ दे दिया। अब आ गया हमारा बंदा चलो चलो खरबूजा भी खरीद लिया उससे। उसके बाद मैंने उससे बोला भाई ये दादाजी को नहीं खरबूजा नहीं खरीदा भाई। हम भी लेके गए सामान कहीं से ढूंढ डांड के हमने कहा ये पहुँचा दो पिताजी के पास। या ठीक है लाओ 100 रुपये दिए भाई। अगले ने कोरियर सर्विस चार्ज ले लिए अगला करके दादाजी ठीक है पहुँच गए थे। अब भाई उसकी दादी का केला दे दिया ये तो मेरे प्यारा मैं भाई ये तो दादी का था ये तो जान जी नहीं ऐसे ही होता मैं ऐसे कैसे होता है 100 रुपये वापस दे 100 रुपये वापस दे हम खुद पहुंचा लेंगे। उस दिन के बाद वो पंडित ही नहीं बैठा वहां पे। पंडित ही गायब हो गया मंदिर के। आंटी जी हमारी अच्छी नहीं है उसने से केला उठा के दिया। दादा वरी जान के मेरे को दे रही है। हमारी अम्मा ने 12:30 एक बजे कहानी सुनवा दी। रिस्क लू या ना लू हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है मेरी। पहले एक दूसरे को पी के 10 मिनट देख ले। पापा हमारी दूसरी आई है रिकॉर्ड कर लू सबूत। मैं नहीं दूंगा भाई ना आके भी आज उतार उतार थका रहा हूं। ये अलग बनाया ना जैसे कभी मीटिंग रूम ओके बच्चा बाटी बाय बाय बाय
मिलते हैं। तेरे पापा को यहाँ से जाते हुए देख के मैं घर ही अंकल हमारे आगे आगे क्यों बढ़ रहा है। मम्मी वही आशू वाली बात, दाढ़ी वाला वो आशू, अब पापा के लिए मम्मी बोल रही है। गाइस मम्मी का कल फास्ट है इसलिए हम आज आइसक्रीम खिला रहे हैं। मम्मी मेरे को ध्यान ही नहीं। ओ मम्मी 12:02 हो गए। कोई बात नहीं, हो गए मम्मी। सासू कहती थी 5 बजे से व्रत माना जाता है, तो 5 बजे तक बढ़िया बढ़िया खिला दूं फिर आपको। और उससे पहले तो मेरी सास 4 बजे अभी जो उठ के सर्गियां खाएंगी। हाँ, सुबह वो तो फिर मेरी सास 4 बजे चाय पिला देती थी मेरे को। ये आ गई बेटा सेवा में माँ की, अपनी भी लाया। सुन भावेश, पापा साइड से जा रहे स्कूटी से, गाड़ी से, साथ साथ से। अभी कह रही मैं मन में सोच रही हूँ आदमी हमारे से गाड़ी से सट सट के क्यों जा रहा है। कह रही देखा तो तेरे पापा, मेरे को सच्ची में ध्यान नहीं था तेरे पापा का। पहले यहाँ खड़े हुए मैं हो रही आदमी को सट के चल रहा है, फिर आगे जाके खड़े हो गए। जो जन्नत की ऑरेंज चूसने वाली है ना, कोई भी आइसक्रीम नहीं है इतनी बड़ी। कर्नाटा सन्नाटा खा लो अपनी। मम्मी आप क्या जानो हमारी आइसक्रीम के स्वाद, तुम क्या जानो ऑरेंज का स्वाद। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑरेंज किस किस की फेवरेट है, क्योंकि मम्मी खाती ही सिर्फ ऑरेंज है। मेरी फेवरेट है, मैं बता रही हूँ कमेंट। या एक मम्मी वो खाती थी क्वालिटी वॉल्स की फीस्ट। सामने देख, हाई बीम में चल रही है, बताओ हाई बीम में चल रही है। और हाई बीम होती क्या है, गली के अंदर हाई बीम पे। वो तुझे देख रही है, ये लड़का बोल क्या रहा है। सो गाइस जो खाटू श्याम जी के यहाँ से एक बॉक्स आया था, मतलब जो भाभी ने भेजा था, एंड मिसेस कामरा जी ने, कामरा भाभी ने, तो मुझे उनका नाम है, अच्छा हर्षिता भाभी ने, तो मैं मिठाई का डब्बा खोल के अपनी फेवरेट वाली एक मिठाई है वो फटाफट से खा लेती हूँ, उससे पहले कोई और डब्बा खोल के मेरी मिठाई खा ले। कपड़े मैंने कर लिए चेंज एंड चोपड़ा कर लिया, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत बहुत मतलब बहुत अपनापन है उनके अंदर एंड बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। तो आगे देखते हैं फ्यूचर में कोई ट्रिप्स एंड ऑल भी प्लान करेंगे तो करेंगे साथ में। एंड अभी फिलहाल डब्बा खोलते हैं मिठाई का, क्योंकि भावेश भी सो रहा है, पापा भी सो रहे हैं, तो मैं अपनी फेवरेट मिठाई चोरी कर लेती हूँ उसके बाद जो मर्जी करे कोई भी। मैंने सोचा मैं अपनी फेवरेट मिठाई खा लूँ फटाफट, इससे पहले कोई और चोरी करे। एक ही तो मिठाई इसके अंदर मेरी फेवरेट आई है। मैं सोच रही हूँ शगुन वालों के यहाँ जाके अपनी मिठाई का एक डब्बा बनवा लूँगी, वो वाली मिठाई का। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी फेवरेट मिठाई मैं कौन सी कह रही हूँ। ये रही वाली। चलो फटाफट से अपनी मिठाई खा लेते हैं। आप खाओगे? आपको टेस्ट करनी थी, एक चक मार के फटाफट वापस कर दो, लाओ वापस कर दो, जल्दी दे दो वापस। वाह ये देखो मेरे घर वाले बालिका वधू देख रहे हैं। अच्छी है ना? मम्मी और मेरा कख भी मैचिंग नहीं है। आपकी सर्गी 1 बजे चल रही है।